गोगो गोगो छोड़। अच्छा ये चाहिए था। गोगो गोगो छोड़। अच्छा ये चाहिए था। गोगो गोगो छोड़। अच्छा ये चाहिए था। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे साथ हैं बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकार। क्या नाम है आपका? भारती। तो भारती जी आपकी ये जो खूबसूरत स्माइल है इसका क्या राज है? मैं तो जब भी देखता हूँ आपका प्रोग्राम बढ़िया सी आती है। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे साथ हैं बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकार। क्या नाम है आपका? भारती। तो भारती जी आपकी ये जो खूबसूरत स्माइल है इसका क्या राज है? मैं तो जब भी देखता हूँ आपका प्रोग्राम बढ़िया सी आती है। हेलो एवरीबॉडी, सो एक्साइटेड टुडे। 4 महीने के बाद आज हम लोग शूट कर रहे हैं अपने शो का। ये देखिए हमारा स्टाफ, एवरीबॉडी सेफ, सब दूर दूर हैं, सब ने डिस्टेंस मेंटेन रखा है। और अब मैं जा रहा हूँ सेट पे। सपना है रे लिए बॉस। डिस्टेंस मेंटेन रखो। पहले नहाएगी इधर। चलो रे। आज हमारा फर्स्ट डे है द कपिल शर्मा शो का। ये देखिए पूरे सेफ्टी के ध्यान दिए जा रहे हैं। नरगिस अच्छा लग रहा है? बहुत गर्मी हो रही है। टर्न अराउंड प्लीज। ये क्या है दीदी? ये ऑक्सीमीटर है, इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक होता है। मेरा ऑक्सीजन लेवल है 94। मैं बहुत ज्यादा फिट हूँ, मोटापे से कुछ नहीं होता, फिट हूँ मैं। ठीक है, मैं सब चीजें घर से करती है। आज हमारा फर्स्ट डे है द कपिल शर्मा शो का। ये देखिए पूरे सेफ्टी के ध्यान दिए जा रहे हैं। नरगिस अच्छा लग रहा है? बहुत गर्मी हो रही है। ये देखिए पूरे सेफ्टी के ध्यान दिए जा रहे हैं। नरगिस अच्छा लग रहा है? बहुत गर्मी हो रही है। हाँ तो कमो बुआ, ये जो अभी आपने खाया है? हाँ बेटा। हाँ ये आपका मतलब डिनर है या डिनर से मैं पहले? 6 बजे के बाद ये पूरी लेकर आई थी, तो मुझे खाओ। तो करीना को भी ऑफर कर दो। थोड़ा शौक यार, ये करीना का ही खाना है, उनको क्या ऑफर करूं? सरसों का साग और मक्की की रोटी। भारतीय 16 पराठे कहाँ गए सुबह लाई थी? 16 पराठे
वो अभी जाके वैरायटी में देखती हूँ। चाय के साथ जलेबी का अलग ही मजा है। करोल बाग में यही खाते थे। एंड करीना, व्हाट डू यू ईट फॉर डिनर? मैं भी पराठे खाती हूँ यार, दिन में। पीपल बी वेरी सरप्राइज कि यू ईट पराठा जा। नहीं, दे ऑल नो आई लव पराठास एंड वाइट मक्खन। आहा, आई ईट वाइट मक्खन एवरीडे। एक्चुअली माय फेवरेट इज आल्सो वाइट मक्खन एंड पराठा, आई लव इट। और मेरा मेरा तो लेकिन दिखता है ना इधर सब। यू हाउ डू यू, सो स्वीट, से इट अगेन। So sweet. Thank you. Can I show you like this? Can I show you like this? 13 years. I've come on that also, na? Kapil Bharti bhi hai na chala. Yeah. 13-year-old. ये सपना है, लेकिन सपना का फेस में नहीं दिखा रही, थोड़ा सीक्रेट है। हेलो बंटी, कैसी है? जितना है मेरा बच्चा, अरे बच्चा। सो यू गाइस आर ऑन कैमरा, देखो सब समोसे खा रहे हैं, हैं? बीच ब्रेक में। अच्छा, सैंडविच है। अच्छा, मुझे हो गया अब सैंडविच टाइम। अच्छा, ही स्टिल ईटिंग अ समोसा। आप समोसा अभी तक खा रहे हैं? मुझे एक भी नहीं मिला। आप भी सैंडविच खा रहे हैं? एक ग्लास आपके नाम का है। एक ग्लास मेरे नाम का है। चलिए, इसमें इसमें मेरा नाम लिख दिया जाए, है ना? सो यू गाइस रियली एंजॉयड द समोसास। ओके, वी आर शूटिंग अ लिंक, सो वी हैव टू बी रियली क्वाइट। अच्छा, ये मेरा समोसा मुझे मिल गया, थैंक यू भाई। यम, कितना स्वाद लगता है। तो आप लोगों को यकीन हो गया कि हम लोग बीच शॉट में, शॉट के मतलब बीच में नहीं, इन बिटवीन शूटिंग खाते भी हैं। वहाँ पर कपिल शूट कर रहा है, इसलिए हम लोग चुपचाप से, यार दो थोड़ी देर के बाद खाऊंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिलीज गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर पंगा। कंगना, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर पंगा। ऑफ कोर्स वी विल वॉच इट, या एंड वी लव द ट्रेलर। गुड गुड हर्ष, आप कैसे हो? नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप कैसे? नमस्ते वस्ते कोई नहीं, हम लाइव कर रहे हैं, तुम जाके पीछे सफाई वगैरह देखो और फिर आप आ जाओ। हर्ष, मैं आ रहा हूँ बर्तन वर्तन करके, बर्तन पोछ के लगाने हैं, जाओ। और भाई एक गाना तो सुना दो। भारती, एक बात बता, सही सही हंसी मजाक अपनी जगह, तू सच में अपने हस्बैंड से बहुत काम करवाती है, बता। ओके, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। अच्छा, इस समय अपने ही अपनों के काम आते हैं अपने तो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, लेकिन अच्छा ये चीज अच्छी होगी, मैं आलू वाला कुलचा, आलू वाले कुलचे की याद नहीं आ रही? मोनू का आलू वाला कुलचा, क्रिस्पी और ऐसे बटर डाल के, बटर ऐसे फैल जाए। मैं प्रेयर करता हूँ, मैं आपको भी सिखाता हूँ भारती, कि हे ईश्वर मुझे शक्ति दे ताकि जिन चीजों को मैं बदल ना सकूं उन्हें स्वीकार कर लूं। तो अब मैं नहीं खा सकता हूं, आई नो, कोई भी ऐसी चीजें, अमृतसर के कुलचे, तो अभी मैं फिर मैं याद ही नहीं करता हूं उस चीज को। और जैसे ही सब माहौल ठीक हो जाएगा फिर मैं जाऊंगा पंजाब और मैं दबा के कुलचे खाऊंगा। बिल्कुल, मैं भी जैसे ही ये माहौल ठीक हो जाएगा मैंने अमृतसर जाना है, अपने घर वालों को मिलना और कुलचे और लॉरेंस रोड जाके कान्हा की पूड़ियां खानी है, जो आलू की सब्जी देते हैं और साथ में चने देते हैं और खट्टे प्याज देते हैं। शाबाश, पानी आपके भी सारी उम्र हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भारती, तू सारी उम्र वहां पे, तूने पूरा अपना बचपन बिताया है, कॉलेज तेरा वहीं पे था जहां पे पूड़ियां मिलती हैं उसके सामने, अभी भी कोई कमी रह गई है कोई पूड़ियां खाने में जो तूने अभी भी खानी है जाके वहां पे? रह गई है भाई। मैंने सोच लिया हुआ, मैंने जाते लैंड करते पहले मोनू का कुलचा, फिर मैंने अगले दिन दोपहर को केसर ढाबे में रोटी खानी है, फिर अगले दिन मैंने कान्हा की पूड़ियां खानी है और साथ में गुड़ वाला हलवा जो ऐसे डोने में देते हैं और खट्टे प्याज और आलू, एक बाइट लेनी है आलू, फिर उसमें थोड़े चने लगा लेने। ऐसे करके खानी है पूड़ियां, पानी आपके मुंह में आ चुका है। देखो भारती, देख, एक महीना खाने पीने की कोई बात नहीं होगी, हम लोगों को
और मैं एक और बात शेयर करनी है भारती, आज तेरे अकाउंट से हम लोग लाइव जा रहे हैं, तो अभी ना न्यूज में आ रहा था कि बहुत सारे लोगों ने अपने जो पेट्स हैं वो उनको घरों से बाहर निकाल रहे हैं, ये सोच के कि उनको लगता है कि कोरोना वायरस उनसे भी फैलता है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ सबसे सबके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे घर में दो पेट्स हैं, मेरे घर में दो पेट्स हैं, और भारती मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी कि आप घूमने फिरने की बहुत शौकीन हैं और आप घर पे टिक के बैठ नहीं सकती, आपके पेरेंट्स ने भी बड़ी कोशिश की बचपन में आपको बांध के रखने की, आप नहीं मानी, तो अब आपको कैसा लग रहा है, आप इतने दिनों से घर पे हैं, मेरा घर आपके घर के ज्यादा दूर नहीं है और आप अक्सर ही आ जाया करती थी पहले घूमने फिरने सैर करते, अब आप 15 दिन से नहीं आई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, आई वॉन्ट टू नो, मैं सब जनता को चाहता हूँ कि वो भी सुने कि भारती सिंह कैसे अपने घर पे रह रही हैं। मैं बताना चाहूंगी कि ऐसा लग रहा है अभी ऐसे हालात हो गए लेकिन घर से बाहर नहीं निकलना, और एनीवेज जोक्स अपार्ट, ये इस समय घर पे रहना ही जो है वही सेफ है, वही सुरक्षित है सबके लिए, वही सही है, और इस समय मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं इंक्लूडिंग यू भारती, आई नो यू आर डूइंग योर बिट, इस समय फील्ड पे जाके काम कर रहे हैं, और इस समय सबसे जरूरी जो है और सबसे ज्यादा मुश्किल जो है उन लोगों को आ रही है जो बेचारे डेली कमाते हैं और डेली खाने वाले लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों के लिए इस समय बहुत मुश्किल है, और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा नहीं तो अपने एरिया में आपके आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपकी बिल्डिंग में काम करने वाला स्टाफ है, आपके वॉचमैन हैं या जो भी, तो आप उनकी मदद जरूर करें, और हम लोग भी कोशिश करते रहते हैं सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें शेयर करें, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस माहौल में भी नेगेटिविटी फैलाने से बाज नहीं आते, किसी एनजीओ के लिए शेयर किया और वो लोग चंडीगढ़ में और पंजाब में खाना और वो सब चीजें जो लोगों को खाना ही की समस्या है उनके लिए खाना पहुंचा रहे हैं, तो मेरी गुजारिश यही है कि आप सब लोग जो भी सोशल मीडिया का जो है वो भरपूर इस्तेमाल करें अच्छे वे में, और लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, और जैसे मैंने पहले कहा कि जो एनजीओज हैं या जो भी लोग इंडिविजुअली जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, उनके जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो शेयर करें, और बस बाकी अपने परिवार के साथ समय बिताएं, और बस ज्यादा ज्ञान ना बांटते हुए मैं जानना चाहूंगा कि हमारे साथ इस समय कौन कौन लोग जो हैं वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, कहां से शुरू करूं, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक?